वाश के बाद बॉयल होगा, बॉयल के बाद फिर हम मशीन में लोड करेंगे, लोड करने के बाद इसमें 24 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर चूँकि कंडीशन ऐसी बनती है कि उसमें फंगस ग्रोथ नहीं हो सकती, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकती, इसमें इसमें छुहारा और सुदूर हम दोनों बना सकते हैं। 24 घंटे में हमने सुदूर पे ट्रायल किए, जिसको जिनको डांस अच्छा लगा हुआ था असीम को, वो हमने 18 घंटे में भी इसका आउटपुट दिया है। अच्छा, इसके बाद जो खजूर है, छुहारा है टैकी का, वो हमने 20 से 24 घंटे में इसके अंदर से आउटपुट दिया। तो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे काम करने वाली मशीन है और इसमें से जो प्रोड्यूस मिलेगी साफ़ सुथरी और हाइजीनिक होगी। इसके बाद हम इसके ग्रेडिंग मशीन के ऊपर छोटा बड़ा लहजा करेंगे और यहाँ से हम इसको पैक कर देंगे, उधर से चलेगी और यहाँ वो कटिंग पैक कर देंगे। तो ये एक बड़ा सिस्टमेटिक काम हो जाएगा। अभी इसकी सुथरी भी आगे में ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। अभी फिलहाल ये आपकी लिमिटेड है, तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह एक प्रॉपर इंडस्ट्री काम करती है उस तरीके से काम करेंगे। जो हमारा फ्यूचर है वो एग्री वैल्यू एडिशन, मैकेनाइजेशन और वैल्यू एडिशन। अब तो सारे स्टेक होल्डर का मतलब है गवर्नमेंट, आर्मी, फार्मर, सारे अब इस फैसले पे आ गए हैं कि हमने ज़रा से कमाना है। ज़रा से कमाना उसी वक्त होगा जब हम इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर पूरे उतरेंगे। तो मैकेनाइजेशन में पहल हो गई है हाजी ताई साहब की तरफ से, ये आपके लिए देखें सीइंग इज बिलीविंग वाला मामला है कि हम देखेंगे तो मानेंगे। ये लग गया 24 घंटे में माल तैयार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम 6-7 दिन बाहर ओपन में धूल मिट्टी में क्यों रखें माल को? तैयार होने के बाद उसकी सफाई कौन करेगा? उस माल का रेट हमें कम मिलता है, इन मसायल से हमारी इंशाल्लाह जान छूट सकती है अगर हम इसको इस पर शिफ्ट होते हैं। तो आज का ये तारफ है। तो अभी हम इसमें जो हमने रात 9 बजे डेकी का डोका लोड किया था वो 75% तैयार हो गया, क्योंकि ये शाम 9 बजे इसकी हमने हार्वेस्ट करनी थी, लेकिन अभी हम आपको इसकी लाइव कंडीशन दिखाते हैं कि वो कितना तैयार हुआ है।